स्टोरी लाइन इज कंप्लीट इज अ फन फिल्ड रोम कॉम। बहुत ही मजा आया मुझे फिल्म देख के। पिक्चर में जो कहानी है वो पहला हाफ तो बोरिंग लगता है। पिक्चर बहुत मजेदार थी, एंटरटेनिंग थी, बहुत मजा आया देखने। जो हमने ये मूवी देखी है बैड न्यूज, तो पिक्चर में जो कहानी है वो पहला हाफ तो बोरिंग लगता है, मतलब हल्का फुल्का हंसी मजाक है, कुछ और है, थोड़ा फिल्म चलती रहती है। लेकिन पहले हाफ के बाद जब फिल्म शुरू होती है तो कई जगह ऐसा लगता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और मैं खास चीज़ और कहना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में कि जो कहानी इसमें दिखाई है वो रियल लाइफ में तो अच्छी है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं। और रियल लाइफ में भी ये बता दिया गया है कि अगर इस तरीके का कोई रिश्ता होगा तो वो रिश्ता किस तरह टूट जाता है। कॉमेडी जो ऐड किया गया, बीच बीच में डायलॉग दिया गया, थोड़ा हंसी आ रही है, सही जा रही है फिल्म को। फर्स्ट हाफ जैसे स्टार्टिंग हुए था, फर्स्ट हाफ से पहले ऐसा लग रहा था कि बांध के रखे कि मज़ा आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही थी तो शायद थोड़ा सा सोचने पर बोलते ना मजबूर कर रही थी। बहुत ही मज़ा आया मुझे फिल्म देख के, और मुझे लगा कि विकी कौशल हैज़ इवॉल्व्ड एज एन एक्टर From the time of seeing him as a serious actor as Bhagat Singh, उसके बाद धर्मा में, और इस तरह का जलवा जो उन्होंने दिखाया है, what amazing dancer, what moves and how much hard he's worked, and I think he's really evolved after his marriage. उनका रंग उन पे दिख रहा है। See, आजकल honestly मुझे कोई expectation होता ही नहीं है। मैं जब movie देखती हूँ I'm like ठीक है आज फ्री है, आज जाएंगे मजा करके आएंगे, and it's gonna be a stress buster. So according to that it was fun, I enjoyed the movie, you know, मुझे कहीं भी नहीं लगा कि मैं उठ के निकल जाती हूँ type of a thing. Normal है, एक बार आप देख सकते हैं, बाकी जिस तरह का subject है शायद कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, देखने के बाद सबको पता चलेगा audience को, बस normal ही मुझे लगा था. Initially जहाँ पे how Tripti and Vicky meets, that part का dialogues and how they are delivered, that was original, fresh and candy इधर से जा रहा था. But then after that it got a little melodramatic, ये वो ऐसे, but ठीक है, overall I think it was a fun movie. Songs तो मतलब एक पुराना शाहरुख खान का song था, वो भी recreate किया था, थोड़े beats भी अच्छे लगाए थे, ऐसा लग रहा था कि ऐसे भी song पे नाच सकते हम लोग. और एंडिंग में तो तौबा तौबा, में तो पूरी थिएटर ही खड़ी हो गई और सब नाचने लगे. डायरेक्शन कैसा लगा, स्टोरी लाइन कैसी लगी? स्टोरी लाइन बहुत मॉडर्न थी, बहुत यूनिक थी, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा. सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको किसका लगा? I think Tripti Dimri played a very good role and so did Vicky Kaushal. Storyline is complete, is a fun-filled rom-com, that's it. They try to show current topic on thing which happened in China also, but they showed it in a very comical way, so it was okay. Anand Tiwari. Anand Tiwari is unique and he has taken a very tough subject but he has handled it in a very very comical way. How is it like see, you can come with the family and enjoy. That's it. It's a fun field. The one-liners are amazing. The comedy has worked very well. बहुत अच्छी. Dance भी अच्छा. भी बहुत अच्छी. Sejal भी. बहुत अच्छे. बहुत सही. High out कितनी रेटिंग दे रहे हैं? 4.5. Direction बहुत अच्छा है. आनंद तिवारी जी ने बहुत अच्छा direction दिया फिल्म में. और फिल्म emotional भी और comedy भी दोनों part में बहुत अच्छे से play होती है. पिक्चर बहुत मज़ेदार थी, entertaining थी, बहुत मज़ा आया देखने. सबका काम अच्छा था और पिक्चर ओवरऑल बहुत मज़ेदार थी. स्टोरी लाइन कुछ अच्छा हट के कॉन्सेप्ट था जो अच्छे से मतलब एग्जीक्यूट किया डायरेक्टर ने, और कुछ अलग कॉन्सेप्ट था तो मतलब देखने में इंटरेस्ट भी आता है जो कॉन्सेप्ट था, वो मस्त मज़ेदार था पिक्चर. हाँ ये टाइम उसने अच्छा किया है, बहुत मतलब अच्छी मूवी बनाई है और स्टोरी कुछ अलग लाया है तो मतलब लोग को कुछ नया देखने मिलेगा. परफॉर्मेंस में बोलना चाहूँगा कॉमिकल से कॉमिक सीन्स थे उसमें, कॉमेडी जो सीन्स थे उसमें एमी विर्क वो सुपर, और इमोशनल सीन्स में विक्की कौशल वो आउटस्टैंडिंग, मतलब उस मतलब मज़ा आ गया उसको देखने में. और तृप्ति डिमरी का भी काम बहुत अच्छा हुआ. देखिए मैंने कुछ दिन पहले इसका ट्रेलर देखा तो मुझे ट्रेलर बहुत ही फनी लगा था, और मूवी देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी. इससे पहले गुड न्यूज़ आई थी जिसमें दिलजीत दोसांझ, अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी जैसे बड़े बड़े एक्टर थे. ये मूवी में भी तृप्ति धीमरी है जो एनिमल से स्टार बन गए, उन शी लुक्स वेरी हॉट एंड वेरी गॉर्जियस इन द मूवी. एंड विक्की कौशल भी बहुत ही ज़्यादा फनी है, बहुत ही उनके कॉमेडी पंचेस हो या वन लाइनर्स हो, उनका कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छा है. और जो कैमी विर्क सरदार जी का जिन्होंने रोल किया वो भी बहुत अच्छे हैं. नेहा धूपी और शिवा चड्डा कैरेक्टर रोल्स में छा गए.
म्यूजिक बहुत अच्छा है, रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, करण, दे आर लॉट ऑफ यू नो अभिजीत, बहुत सारे कंपोजर्स हैं, म्यूजिक बहुत अच्छा है, स्पेशली लास्ट सॉन्ग तौबा तौबा बहुत अच्छे से शूट किया गया है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है देवजीत रे की, एडिटिंग शार्प है, 2 घंटे 20 मिनट की मूवी है, कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया, एंटरटेन रखेगी शुरू से लेकर एंड तक, फर्स्ट हाफ हो सेकेंड हाफ में थोड़ी सी स्लो पेस्ड हो जाती है बट इन्जॉयबल है, एंटरटेनिंग है और डायरेक्शन बहुत अच्छा है आनंद तिवारी का, तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है इट्स अ मस्ट वॉच। 2 स्टार देना चाहूंगा, 2.5 2 2 1/2 इज गुड एनाफ, 4.5 3.5 3.5 स्टार्स देना।